फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 5 मिनट में स्नैक्स रेसिपी बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे मेरे पास ब्रेड नहीं था, मैंने बर्गर बन का यूज किया है। आप इसमें ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बन को तोड़ करके मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल देंगे और एक इसका अच्छा सा ब्रेड क्रम्ब बनाएंगे। अब यहाँ पे हम ले लिए सब्जियाँ, कैप्सिकम, कैरेट और अनियन और हरी मिर्च। सब्जियाँ आप अपने पसंद के अनुसार इसमें डाल सकते हैं, जो आपको खाना पसंद है। अगर आपके घर में सब्जी नहीं है तो आप सिर्फ अनियन से भी इसको बना सकते हैं, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डाल दिया मैंने चिली फ्लेक्स। अब डालेंगे इसमें हम हल्दी पाउडर 1 चम्मच, नमक अपने टेस्ट के अनुसार इसमें ऐड करेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। तो अब इसमें हम बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। आप देख रहे हैं कितना कम पानी हाथ में लगा के इसको पहले मिक्स करना है, क्योंकि नमक डालने से सब्जियों से भी पानी निकलता है, तो इसलिए पानी का यूज़ थोड़ा हम कम ही करेंगे। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार होता है नाश्ता और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो देखिए कितना अच्छा मिक्स हो चुका है। अब हाथ में हम लगाएंगे ऑयल। अब इसका हम एक आकार बनाएंगे। आप आकार अपने मन पसंद अनुसार बना सकते हैं, चाहे तो इसका गोल भी बना सकते हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि 2 बन में मेरा कितना बनकर तैयार हो जाएगा, और बहुत जल्दी बनकर तैयार होगा ये। तो सारे रोल्स मेरे बन चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल गर्म होने के लिए गैस पे रख दिया है। तेल मेरा गर्म हो चुका है और अब मुझे अच्छा हीट तेल चाहिए इसके लिए, फ्राई करने के लिए। पहले इसको हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, उसके बाद फिर हम फ्लेम को लो कर देंगे। 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको फ्राई करने में। ये खाने में बहुत ही क्रंची बनकर तैयार होगा। एक साथ जितना आपके पैन में आए आप उतना ऐड कर सकते हैं इसमें। तो देखिए कलर चेंज हो चुका है। इसको हम दोनों तरफ से ऐसे ही फ्राई करेंगे। तो देखिए एक तरफ से हो चुका है, दूसरी तरफ भी इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से मेरा कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुका है। इसको हम निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे। आराम से इसको निकालेंगे, वरना टूट भी सकते हैं, क्योंकि बहुत क्रंची बनता है ये। तो दोस्तों ये देखने में इतना अच्छा लग रहा है, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।